देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। जो ये जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन होना तय है और बदलाव होके रहेगा। आज जनता निराश हुई है इनकी सरकार में, जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हैं। किसान की आय घटी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। जो लोग ये कहते थे कि महंगाई कम होगी, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है। आज गरीब की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है। इस अर्थव्यवस्था में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। नौकरी जहां मिलनी थी वो संस्थाएं बेची जा रही हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो हमें आरक्षण से हक और सम्मान मिलता था, अगर संस्थाएं बिक जाएंगी तो नौकरियां और रोजगार कहां पर होंगे। ये चुनाव है और आजमगढ़ की जनता जानती है विकास किसने किया है। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। जिन नाव वालों ने बीजेपी को आगे बढ़ाया, उन नाव वालों का धोखा दिया बीजेपी ने। पार्टी को 24 की चिंता नहीं करनी चाहिए, 22 में जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। महंगाई क्यों बढ़ी है? डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है? आय किसानों की अभी तक क्यों नहीं बढ़ी है? नौजवानों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं मिले हैं? ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को 22 के चुनाव से पहले देना है। एक बात साफ होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं, भारतीय जनता पार्टी विनाश पे राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी वही है जिसको सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद विधायक जीतने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश से उनका प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश से उनके राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश से डिफेंस मिनिस्टर, और सरकार भी दिल्ली में अगर बनी है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाई है। आखिरकार सबसे बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किसी को दिया है तो उत्तर प्रदेश के गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारियों को। जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए? किसान अपनी मांग को लेकर के आए हैं कि 3 कानून वापस ले लिए जाए। कई 100 किसानों की जान चली गई, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न केवल विकास को धोखा दे रही है, लोकतंत्र और संविधान को की भी धज्जियां उड़ा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास पे बहस नहीं करती, महंगाई पे बहस नहीं करते। आज बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं आए हैं। ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की बात करने वाले, जिस तरीके से ठोकर राज चलाया है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। एक व्यापारी जो गोरखपुर में आया, उसकी जान ले ली गई। आज के समय पर जान ले ली जाए, लोगों की न्याय न मिले, जान चली जाए, तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह आज आजमगढ़ में थे, उन्होंने कहा आजमगढ़ को पहले माफिया और गुंडों की वजह से जाना जाता था, लेकिन योगी राज का विकास से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन पर मुकदमे थे, ऐसी गंभीर धाराएं लगी थी। ये देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हों। आजमगढ़ के लोगों ने काम करके, मेहनत करके न केवल उत्तर प्रदेश देश बल्कि दुनिया में नाम रोशन किया है। दुनिया में आजमगढ़ के लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से और अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से दुनिया में नाम रोशन किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों को ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी के लिफ्ट में खुद मच्छर था और उनकी तमाम एनएसजी नहीं रोक पाई मच्छर को, किसी और को मच्छर मारना पड़ा? और जहां तक सवाल माफियाओं का है, भारतीय जनता पार्टी को सूची जारी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और भारतीय जनता पार्टी ये बताए, जेल में बड़े बड़े टिफिन में खाना किन माफियाओं के लिए जाता है? कौन से माफिया है जिनके पास सरकारी सुरक्षा है? और कम से कम ये तो बताए भारतीय जनता पार्टी कि जिस गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप है, वो गृह राज्य मंत्री आज भी मंत्री है? क्या मंत्री रहते हुए किसानों को न्याय मिल जाएगा? एक गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया हो और गृह राज्य मंत्री आज मंत्रियों के साथ खड़े हो? अब चुनाव आ गया है तो उन्हें लैपटॉप भी याद आ गया, टैबलेट भी याद आ गई,
और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पा रहा वो क्या लैपटॉप बांटेगा। आज उत्तर प्रदेश में एक योगी सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश को योगी सरकार चाहिए जो आज के समय को समझता हो, इंटरनेट को समझता हो, सोशल मीडिया को समझता हो। आज जो तमाम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिजनेस हो रही है, जहाँ पे एक दूसरे से चीजों का कारोबार चल रहा है, वो चीज समझता हो, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जो लैपटॉप ही नहीं चलाना जानता हो। अब तो सुनने में आया कि वो स्मार्ट मोबाइल नहीं चला पाते हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो अखबार नहीं पढ़ते मुख्यमंत्री। सोचो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उनकी जांच करने वाले तमाम संस्थाओं पर सवाल खड़े किए। अगर सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़ा करे तो क्या जवाब है सरकार के पास। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज रोड शो कर रहे हैं। अखिलेश जी, लगातार आप रोड शो कर रहे हैं, ये तीसरा चरण है, क्या लगता है कि अब ये पूर्व शब्द हटने वाला है क्या? ये जनता बदलाव चाहती है और जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है और किसानों की आय छीनी है, उत्तर प्रदेश से बदलाव होना निश्चित है। इसलिए आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। आप कुशीनगर जा रहे हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट का लगातार जिक्र करते हैं, क्या एयरपोर्ट जाएंगे? कुशीनगर का एयरपोर्ट एक लंबी कहानी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय पूरा बजट दे करके कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है। ये अलग बात है कि बीजेपी ने शिलान्यास के शिलान्यास किए, उद्घाटन के उद्घाटन किए, अभी तक वो काम जनता को नहीं दिखा पाए जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद शिलान्यास किया हो, खुद ही उद्घाटन करने का मौका मिला हो। आज अमित शाह भी आजमगढ़ में है, वो किस तरह से देखते हैं? वो आजमगढ़ का विकास देखने गए हैं कि लगातार समाजवादी सरकारों में किस तरीके से आजमगढ़ का विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज मिला है, यही गोरखपुर, इसने पशुओं को लिए एनिमल और जानवरों के लिए यूनिवर्सिटी बन रही थी, एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट की तरफ से एक यूनिवर्सिटी बननी थी, वो यूनिवर्सिटी छीन ली और नई यूनिवर्सिटी का शिलान्यास तब कर रहे हैं जब समय खत्म हो गया। तो आजमगढ़ का विकास देखने गए हैं वो, और गोरखपुर की बर्बादी देखिए कि किस तरीके से सरकार को मौका था काम करने का, लेकिन गोरखपुर की जनता को जो विकास मिलना चाहिए था वो विकास नहीं मिला। अगर वही वो पलटवार वो कर दें कि मुख्यमंत्री जी लगातार कह दें कि वो गोरखपुर का विकास देने गए अखिलेश जी, तो एक व्यापारी यहाँ विकास देखने आया था और व्यापार करने पुलिस ने उसकी जान ले ली। जो लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से ठोकर आज चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है। अखिलेश जी, आखिरी सवाल है कि आप कुशीनगर जा रहे हैं और तमाम दलों के नेता सपा में शामिल हो रहे हैं, तो कुशीनगर का भी कोई नेता है क्या आपके संपर्क? देखिए, ये ज्वाइनिंग नहीं ज्वाइनिंग ये बात का फैसला है, लेकिन गोरखपुर और कुशीनगर की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने साफ और सीधे तौर पर कहा कि जनता आपने निर्णय कर लिया और निश्चित तौर से आप भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। गोरखपुर से मानस के साथ चंद्रमणि शुक्ला के। आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। इस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज,
खबरों का सारथी। आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। इस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले, यहाँ का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। याद है जब सरकार का गठन होने जा रहा था, तब माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ऐसे बनाए कि जिससे वह आजमगढ़ के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बन जाए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके विकास की धुरी बन रही है। आज आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, अंतिम चरणों में चल रहा है, लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है। केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश राणा जी, उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती नीलमा कटियार जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद बलिया श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री अरुण कुमार यादव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री यशवंत सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, माननीय सदस्य राज्यसभा श्री विवेक ठाकुर जी, भारी संख्या में आज के शिलान्यास कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए आजमगढ़ के गांव गांव से यहां पर उपस्थित आजमगढ़ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब की ओर से मैं भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री मां भारती के यशस्वी सपूत आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जो कहा सो करके दिखाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारों ने, न केवल केंद्र सरकार ने बल्कि राज्यों की सरकारों ने भी जनता जनार्दन के सामने जो बातें कही थी, अक्षर सह उनका पालन करते हुए उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज इसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और 2017 में इसी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व और रणनीति के तहत जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन और सहयोग किया था, आज उसका परिणाम है आजमगढ़ ने भले ही दो दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुनकर के भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले,
यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था, पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज जब भारत के अंदर सरकारें काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार मिल रही है। मुझे याद है जब सरकार का गठन होने जा रहा था तब माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ऐसे बनाए कि जिससे वह आजमगढ़ के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बन जाए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके विकास की धुरी बन रही है। आज आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, अंतिम चरणों में चल रहा है, लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है। और भाइयों बहनों, यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। इस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। इस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। केरला से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का राज। हजारों एकड़ सरकारी भूमि माफिया हजम कर बैठ गए थे। योगी जी ने कठोरता के साथ इसको खाली कराकर वो भूमि को विकास के काम में लगाने का काम किया है। मित्रों, गरीब कल्याण के लिए ढेर सारी सुविधाएं मोदी जी ने जो भेजी, योगी जी ने इसको जमीन पर उतारा है। ढेर सारे लाखों की संख्या में घर बने, घर में बिजली पहुंची, घर में शौचालय बने, घर के अंदर 5 लाख तक का स्वास्थ्य के बीमा का कार्ड हर गरीब को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और साथ ही साथ अब हर घर में शुद्ध पीने का पानी भी पहुंचाने का काम हो रहा है। मित्रों, और बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को मोदी जी ने दिया है। कल ही रक्षा मंत्री और योगी जी ने मीटिंग कर बहुत बड़े डिफेंस के कारखाने यहां आए, इसके लिए भूमि तैयार करने का काम। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड, और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल।
अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए है, जरा जांच करो। तो उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टिकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में बहुत सारे माइनॉरिटी के की भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अबे अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं, उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। यहां आप सफाई भी नहीं कर सकते थे, सफाई नहीं करते थे, मच्छरों का शासन था। गोरखपुर पूरा पूर्वांचल दिमागी बुखार से, दिमाग के बुखार से बच्चे मारे जाते। मोदी जी के स्वच्छता के अभियान को योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर उतारा और स्वच्छता अभियान के कारण मच्छर मुक्त पूर्वांचल बनाने का काम किया। और माफिया जिस प्रकार का शासन चला, उत्तर प्रदेश के बाहर अपने घर ढूंढने लगे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। मित्रों, मैं जब यहां पर आया हूं तब आपने दो बार, बैठो बैठो, दो बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। दिया ना भाई? जरा जोर से बोलो, दिया या नहीं दिया? उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को दो बार पूर्ण बहुमत वाला प्रधानमंत्री बनाया। और मोदी जी भी देखिए साहब, उत्तर प्रदेश से ही गए हैं, काशी से चुनकर जाते हैं, और उन्होंने देश भर के 60 करोड़ गरीबों के कल्याण का कार्यक्रम हाथ में लिया। 60 करोड़, उसके घर में बिजली, घर, शौचालय, स्वास्थ्य के कार्यक्रम, पीने का पानी, गैस का सिलेंडर दिया। और मित्रों, ये समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। कहते थे या नहीं कहते थे? आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को आपने दोबारा अधिकार दिया और अयोध्या की उसी भूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया। हमारे आराध्य श्री राम का भव्य मंदिर बने, ये अपेक्षा थी। आज मोदी जी ने वो अपेक्षा को पूरा किया। मित्रों, जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से हर घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक वादा होता था, हम धारा 370 को हटाकर कश्मीर को भारत का अंग बनाएंगे। ये हमें ताने लगाते थे, कब हटाओगे, कैसे हटाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई जब मन मजबूत होता है, इरादे पक्के होते हैं, तब सब कुछ हो जाता है। आपने दोबारा बहुमत दिया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त, और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत माता का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव में भारत को
विश्व की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को दुनिया में उसका उचित मान मिले, उचित सम्मान मिले, जो हम सबकी भी इच्छा है। और आपका आशीर्वाद मोदी जी को हौसला दिलाता है, आपका आशीर्वाद मोदी जी को आगे बढ़ने का इरादा पक्का करता है। फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज यहां पर सरस्वती का एक मंदिर बनने जा रहा है, जो आजमगढ़ की छवि को, आजमगढ़ की पहचान को न केवल भारत, पूरे विश्व के अंदर बदलने का काम करेगी। इसके लिए मैं आजमगढ़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आजमगढ़ को एक्सप्रेस वे के लिए भी बधाई देता हूं, आजमगढ़ को बनने वाले हवाई अड्डे के लिए भी बधाई देता हूं, और आजमगढ़ को मच्छर और माफिया से मुक्त होने के लिए भी बधाई देता हूं। मित्रों, आप सभी लोग यहीं से एक संकल्प कर जाइए कि इस बार उत्तर प्रदेश में 300 पार वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। इस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर, लेकिन पढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0038 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर।